हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस। इन आवर कंटिन्यूइंग शॉर्ट शॉर्ट सीरीज टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड्स, दैट इज गैस व्हाट, या ईथर लिपिड्स एंड प्लाज्मा लोजन्स। तो आज के इस वीडियो में हम ईथर लिपिड्स की स्ट्रक्चर, इनका अकरेंस ह्यूमन बॉडी में, बैक्टीरियाज में इनका क्या इम्पोर्टेंस है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, ईथर लिपिड के स्ट्रक्चर पर जाने से पहले हम नॉर्मल लिपिड्स और ईथर लिपिड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। एज वी ऑल नो कि नॉर्मल बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, राइट। फॉस्फोलिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज डाईएसिल ग्लिसरॉल, यानी कि एक ग्लिसरॉल मॉइटी से दो फैटी एसिड की चेन वाया एस्टर लिंकेज जुड़ी हुई है, बट एक्सट्रीम कंडीशंस में एस्टर बॉन्ड की जगह ईथर लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ईथर लिंकेज एक्सट्रीम कंडीशंस में ज़्यादा स्टेबल है, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं हाई सलाइन कंडीशंस में, तो वो ज़्यादा स्टेबल हैं। इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जांपल आर्किया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एस्टर बॉन्ड लिपिड की जगह ईथर बॉन्डेड लिपिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईथर लिंकेज के अगर हम फंक्शनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तो इनकी बॉन्डिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है देन एस्टर लिंकेज, सेकंड वन इज जो ज़्यादा सलाइन कंडीशंस होती हैं उनमें ये मोर स्टेबल हैं, और थर्ड वन इज अभी अपन ने जो बात करी थी कि ये रेस्ट्रिक्शन यानी कि ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है किसके लिए, जो फॉस्फोलाइपेजेस यानी कि जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं उनके लिए इनकी रेस्ट्रिक्शन होता है। तो ये इनके फंक्शनल सिग्निफिकेंस हैं। Now we are talking about two most important examples of ether lipids. First one is plasma logen and second one is platelet activating factors. Plasma logens के अगर हम special features की बात करें, mostly जो vertebrates की heart cells की plasma membrane में mainly plasma logens present होते हैं, यानी कि almost 50% plasma membrane में जो lipids होंगे वो plasma logens होंगे। प्लाज्मा लोजन की मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज ये कोलेस्ट्रॉल का ईफ्लक्स में अपना रोल शो करते हैं, सेकंड वन इज जो इकोसिनॉइड्स होते हैं यानी कि जो एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनके लिए ये प्रिकर्सर की तरह रोल करते हैं, थर्ड वन इज मेम्ब्रेन फ्यूज़न में अपना रोल शो करते हैं, फोर्थ वन इज एज अ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की तरह रोल शो करते हैं जो कि इन्फ्लामेशन में वर्क करता है, थर्ड वन इज जब सेल के अंदर परोक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज बनने लग जाती हैं, प्लाज्मा लोजन्स एज अ एंटी ऑक्सीडेंट्स वर्क करते हैं, और लास्ट वन इज ये आयन ट्रांसपोर्ट में भी अपना जो फंक्शन है वो शो करते हैं। वी आर गोइंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईथर लिपिड। तो जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एज अ मॉलिक्यूलर सिग्नल यानी कि एक मैसेज की तरह वर्क करते हैं, जो कि जो हमारी ल्यूकोसाइट सेल होती हैं उनके द्वारा इनका सीक्रेशन हो जाता है। जब ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर सीक्रेट होकर के स्टिमुलेट करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन को, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन करते हैं, सेकेंड वन इज सेरोटोनिन का सीक्रेशन करते हैं जो कि बाद में वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन में अपना रोल है वो शो करेगा। इम्पोर्टेंट रोल इनका इन्फ्लामेशन में है यानी कि स्वेलिंग के टाइम पर है, और एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं वो अपना रोल परफॉर्म करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ईथर लिपिड्स एंड प्लाज्मा लोजन। ईथर लिपिड्स एंड प्लाज्मा लोजन के रिगार्डिंग अभी भी आपको किसी तरीके का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।